खुशियों और उमंगों का त्यौहार है दिवाली, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह खुशनसीबी की जगह मजबूरी और लाचारी भी दे देती है। ऐसे मासूम चेहरे जो सिर्फ दूसरों की जगाई हुई लोह को देखते हैं, ऐसे हाथ जो दिए बनाते तो हैं पर जला नहीं पाते। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई व बढ़ते मोल भाव के कारण गरीब लोगों की दिवाली अधूरी ही रह जाती है। इस दिन पटाखों पर पैसा बर्बाद करने की बजाय किसी गरीब जरूरतमंद की मदद को पूरा करें, उनकी दिवाली को और खुशनुमा मनाएं। इसलिए आओ इस दिवाली खुशियां बांटें, जरूरतमंदों की मदद करें, उनको खाना दें, प्यासे को पानी दें, घायल का इलाज करवाएं, खुशियां बांटें। इस दिवाली जरूरतमंदों की मदद करने का प्रण लें और अपनी खुशियों को दोगुना करें। इसलिए ऐसे लोगों की दिवाली को पूरा करने के लिए हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हमेशा से मानवता भलाई कार्यों में आगे रहे हैं, आज ये त्योहार है दीपावली, यानी दीप प्लस आवली, दीपों की माला, ये मनाया गया था। बुराई को जीता गया, बुराई को जीता गया मतलब बुराई को हरा दिया गया और सच्चाई नेकी जीती, उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। राम जी ने सच्चाई पे रहते हुए अच्छाई की जीत की, लेकिन लोग आज के दिन में सच्चाई की वाहवा की जगह रावण की बुराई की वाहवा करते नजर आते हैं। शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो राम जी का रास्ता नहीं है, ये तो रावण का रास्ता था। तो आज जरूरत है कोई भी त्योहार आए उसको सही तरीके से मानने और मनवाने की। सही तरीका यही है कि इस दिन अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ो, उनको आग लगाओ और जिनके चिराग नहीं जलते उनके चिराग जलाओ। कोई दुखी है, कोई बीमार है, उनका आज के दिन आप हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करवाइए।